स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। कुछ ऐसे ही प्रेरणा के साथ हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैलेंडर के भाग 6 की ओर। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि पीछे मतलब आगे से पीछे वाले महीने, हम लोग यहां पर बात करेंगे पीछे से आगे वाले महीने के बारे में। तो आइए चलिए हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर हम लोग अपना जो है क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चंस की श्रृंखला मिलती रहती है। तो जब हम लोग इसमें चलते हैं तो हम लोग देखिए यहाँ पर अब प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग उल्टे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न जो है 13 फरवरी को गुरुवार, 13 फरवरी को गुरुवार था। तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें फरवरी हम लोग का देख रहे हैं बाद में आता है, लेकिन जनवरी पहले आता है। तो अब इसमें आपको दिन में पहले की ओर आना पड़ेगा, पीछे की ओर मुड़ना पड़ेगा। जो दिन में आप आगे की ओर जा रहे थे इससे पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 5 में, अब यहां पर पीछे की ओर आ पाएंगे और काम आपको पूरा वही करना है। तो चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन में बढ़ते हैं और देखते हैं इसके हल को। तो जब हम लोग हल में बढ़ते हैं इस प्रश्न की श्रृंखला में हल में, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है। लेखन प्रश्न क्या है आपका, 13 फरवरी को गुरुवार था तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो 13 फरवरी के बारे में अगर बात किया जाए तो फरवरी में अगर बेसिकली जो बात होता है आपका, तो फरवरी के महीने की बात अगर होती है तो 28 दिन होता है और 29 दिन होता है। तो आप जो यहां पर लेकर चलेंगे 29 लीप ईयर में हम लोग लेकर बात करते हैं, लेकिन आप 28 यहां पर चलते हैं। जो फरवरी का जो मंथ होता है मुख्य रूप से हम लोग 28 दिन लेकर चलते हैं। तो जब 28 दिन आपने ले लिया उसके बाद आपको क्या करना था, जब आप देख रहे थे कि यहां जो भी आपका दिनांक था फिर फरवरी का जो महीना था उसमें आपको उसे क्या करना है, घटाना है। तो 28 दिन में आपको क्या करना है, फरवरी का जो 13 तारीख है उसे आप घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो आपका जो शेषफल बचेगा वो 15 बच जाएगा। ठीक है, 15 जब आपका बचेगा तो आपको बाद में क्या करना है, इस 15 में ऐड करना है। आप देख रहे हैं जनवरी का कितना कौन सा दिनांक है, 4 है, तो 15 4 कितना हो गया आपका, 19 हो जाएगा। तो बटे में आपको लास्ट में क्या कर देना है, 7 से डिवीजन। तो 15 4 हो गया आपका 19 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब 7 का आपको क्या करना है, 19 से आप टेबल पढ़ेंगे तो 7 का जब टेबल पढ़ेंगे 19 तो 7 × 2 = 14 हो गया। दो बार आप ले जाएंगे आप तो यहां पर आपका क्या होगा, 2 बार जब ले जाएंगे तो आपका इसमें शेषफल जो बचकर आएगा वो 5 आएगा शेषफल। सॉरी, जब आप यहां पर 7 लेते हैं यहां पर 19 तो 7 × 2 कितना हो गया आपका, 14 हो जाएगा। यहां 5 बच गया तो यहां पर शेषफल आपका कितना बचा, 5 बचा। तो अब इसमें क्या करना है, मेरे बताने का मतलब क्या था, आप देख रहे हैं कि 13 फरवरी को गुरुवार था तो आपने देखा कि यही डिसाइड कर रहा है, यही दिन जो है गुरुवार ही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये बात पूछता कि 13 फरवरी के बाद पूछता कि 4 मार्च कौन सा दिन था, तो हम लोग तो इतना काम करते लेकिन इसके आगे की ओर बढ़ते हम लोग, यानी इधर हम लोग बढ़ रहे थे जो वीडियो में पहले, तो हमको इधर नहीं जाना है। अब हमें क्या करना है, 5 दिन हम लोग किधर आएंगे, इधर ना जाके इधर आएंगे, 1 2 3 4 5वां दिन। ठीक है, तो जब आप आएंगे, गुरुवार हो गया आपका, बुधवार हो गया, मंगलवार हो गया, सोमवार हो गया, रविवार हो गया, शनिवार हो गया। तो इसका मतलब कि 5वें दिन जो आपका दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। 5वां दिन आपका शनिवार होगा, तो शनिवार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 फरवरी को गुरुवार था तो 4 जनवरी, तो यानी हम लोग आगे से पीछे वाले महीने की तरफ आ रहे हैं। तो फरवरी का महीना 28, तो 28 में से आपने दिनांक घटाया 13, 15 बचा आपका, या जनवरी में देख रहे हैं 4 तारीख है तो 15 4 आपका हो गया 19, 7 से डिवाइड, 7 को आप डिवाइड करेंगे जब तो 19 में 7, तो यहां पर कितना डेट बचा, 5। तो जो शेषफल आपका यहाँ 5 बचा है तो वो उस 5 को आप कैसे लेके चलेंगे, जो गुरुवार था तो गुरुवार आपने लिखा तो आप आगे की ओर ना जाके पीछे की ओर आपको आना है। तो 1 2 3 4 5, तो गुरुवार था, बुधवार हो जाएगा आपका, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू इस प्रश्न को। तो जैसे हम लोग का प्रश्न देखिए यहां पर है कि क्वेश्चन हम लोग का दिया क्या गया है कि 2 मार्च 2013, समझे कोई आपको विशेष मतलब नहीं है, 2 मार्च 2013 को रविवार है। ठीक है,
2 मार्च 2013 को क्या है, रविवार है। आपको इसमें बताना क्या है, प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग ले रहे हैं कि 30 जनवरी 2013 को ही कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपको बताना है यहां पर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, इस प्रश्न का हल क्या होगा। इसमें देखिए यहां पर प्रश्न में एक चीज याद रखिएगा कि 2 मार्च 2013 को रविवार है, तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, पिछले महीने का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो बात हम लोग जब ये करेंगे, यहां पर 2 मार्च की बात हो रही है, कितने मार्च की हो रही है, 2 मार्च की। तो यहां पर जब आप लेके चलेंगे इसमें 2 मार्च का, तो मार्च के महीने का जो दिन होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें 31 दिन तो लेंगे ही, ठीक है, 31 में से कितना दिन घटाएंगे, 2 दिन घटाएंगे, क्योंकि 2 मार्च यहां पर आपका दिया हुआ है। अब आपने लिया 29 दिन, ठीक है, 29 दिन आपको मिल गया। अब उसके बाद जब आप चलेंगे यहां पर, तो इसमें 30 जनवरी का पूछ रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, 29 में आपको 30 तो जोड़ना ही है, ठीक है, पहले जोड़ लिया जाए, 29 तो जुड़ ही रहा है और प्लस ये 30 भी आपका जुड़ रहा है। समस्या ये है कि बीच में मैंने गैप क्यों रख दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको जनवरी के बाद मार्च की बात हो रही है, तो मार्च के बाद जब जनवरी के बाद क्या होगा, उसमें फरवरी भी आया होगा, फिर मार्च आया होगा, तो इसका मतलब कि यहां पर आपको फरवरी महीने का जो दिन होगा उसे भी आपको जोड़ना पड़ेगा। 2013 जो हम लोग का लिया गया तो वो लीप वर्ष तो है नहीं, क्योंकि 42 कटेगा नहीं, तो 28 दिन का होगा। तो हम लोग लेके चलेंगे इसमें 28 दिन हमको वो भी एड करना होगा इसमें। 28 दिन कौन सा, फरवरी माह का, क्योंकि यहां पर हम लोग मार्च से जनवरी के बारे में बीच में बात कर रहे हैं, तो फरवरी के बारे में बात हम लोग को लानी पड़ेगी। अगर हम लोग बीच में 2 महीने 3 महीने 4 महीने गैप रखते हैं, तो उस 2-3 महीने का भी जितना भी महीने का जो रहेगा, जितने डेज रहते हैं, उन डेज को हमें एड जरूर करना होगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज आते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल के बाद मई की बात हो रही है, मई के बाद जून की बात हो रही है, अगर अगस्त है सितंबर की बात हो रही है, जनवरी है फरवरी की बात हो रही है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि जस्ट एक महीने बात की होती है। लेकिन यहां पर जब आपको 1 महीने गैप मिल जाए, 2 महीने गैप मिल जाए, 3 महीने का, तो आपको क्या करना है, उनके डेज भी एड करने होंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 मार्च 2013 को रविवार है, 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो यहां पर 31 में से आपने क्या काम किया, मार्च 31 दिन का था, तो उसमें 2 दिन आपने निकाल लिया, आपका 29 दिन बचा, 29 डेज को तो आपने लिया ही लिया, और साथ ही साथ जो फरवरी इसमें गैपिंग आ रहा है, तो फरवरी 28 दिन का था, उसे भी आपने ले लिया, जनवरी में आपका 30 दिन है, उसे भी ऐड कर लिया जाए। अब पूरे को लेकर आपको लास्ट में क्या करना है, पूरे ऐड करके 7 से डिवीजन करना है, 0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो 8 में जब 9 जुड़ेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 17, ठीक है, आपका कैरी हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 2 7, 7 1 क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो यहां पर 87 में जब आप 7 से डिवीजन करेंगे, तो आइए चलिए देख लिया जाए डिवीजन, तो 87 को जब किया गया किससे भाग, 7 से, तो 7 1 7, यहां पर 70 हो जाएगा, 7 2 14, तो यहां जो शेषफल आपका बचा 3, तो शेषफल आपका क्या बच गया, हमको मतलब क्या है, शेषफल से मतलब है, तो जो शेषफल इसका आया इस प्रश्न में वो आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है, शेषफल 3 आ गया। तो हमें करना क्या है, आप देख रहे थे कि आपको लिखना क्या था, रविवार लिखना था, रविवार, ठीक है, रविवार को तो आपने लिख लिया, ठीक है, आपको 3 दिन अब पीछे क्यों आना है, क्योंकि आपको मार्च में मार्च का इन्फॉर्मेशन दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है जनवरी का, तो आप आगे क्यों नहीं जाएंगे, पीछे क्यों आएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो जब आप यहां पर चलेंगे, रविवार था, उससे पहले कौन सा दिन, शनिवार, ठीक है, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, या जिसे हम लोग गुरुवार भी कहते हैं, तो इसका मतलब कि यहां जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि गुरुवार जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, इसका मतलब 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हो रहा होगा, तो उस दिन आपका गुरुवार रहा होगा। अगर ये चीज दिया गया कि 2 मार्च 2013 को रविवार है, तो 30 जनवरी 2013 के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो ये जो बीच में 1 महीने गैप हो जा रहा है, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, मैं दे रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, हमें जरूर दीजिएगा आंसर इसका, हमें अगर आपने फीडबैक दिया तो हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 15 अगस्त को क्या है, रविवार है, ठीक है, 15 अगस्त को रविवार है, तो आपसे पूछा जाए कि 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक है, इसमें देखिएगा ध्यान से,
दो तीन महीने का गैप मैंने डाल दिया है, आपको 15 अगस्त को रविवार है, आपको बताना क्या है 3 मार्च के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 महीने का आपको डेट जो है इसमें एक्सटर्नल एड करना होगा। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जरूर हमें आंसर दें, और यदि आपको नहीं आता है इसका आंसर तो आप बताइएगा, हम लोग अगली वीडियो में इसका आपको आंसर दे देंगे। और साथ ही साथ चैनल के बारे में भी लोगों को बताते रहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला से या तो ऐसे जो ट्रिकी वीडियोस से या ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो चैनल पर डाली जाती है आपके रेगुलर जितने भी एग्जाम के लिए, दूसरे आपके फ्रेंड जो है महत्वपूर्ण वो वंचित न रह जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।